अभी ग्राम पंचायत गोलू वाला शाहगाम में हम लोग यहाँ करते हैं कुछ नागरिकों से बात की, यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? आपका नाम सोनाथ। सोनाथ जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की? अडारोड़ी है, बहुत से समस्या, बहुत समस्या, हमारे यहाँ बदबू बहुत आती है, यहाँ रहे नहीं सकते, यहाँ इस वास्ते अडारोड़ी वास्ते सबको कहते हैं। आपका नाम जी? विजय। विजय जी, क्या समस्या है मूलभूत सुविधा यहाँ जिनसे आप लोग परेशान हो? परेशान जी अडारोड़ी परेशान हो। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत बास है, बदबू अजमा ग्रां करना है। रोटी कौन खाई जाए? रोटी कौन खाई जाए? उसके अलावा कोई और समस्या गांव की? और समस्या जी गलियां की है, जो भी है, कोई नालियां की है, समस्या तो हुई है गांव में, सारी समस्या हल होनी चाहिए, सारी समस्या हुई। यानी कि पिछले 5 साल में ग्राम में कोई विकास करे हुए? विकास हुए, अच्छा हुए विकास, पर गरीब मोहल्ला में कोनी हो। गरीब, हाँ गरीब मोहल्ला में एक भी कोनी, 8 नंबर में कोनी हो जी, सारी हुए विकास है, 8 नंबर में कोनी हो। आपका नाम जी? रणवीर। रणवीर जी, कोई प्रमुख समस्या गाँव की? तो पानी की, सड़कों की, सड़क है, सड़क में देख लो क्या हाल हो रही है, डारोड़ी की वजह से सब मोटर। क्योंकि इनका ये कहना है कि ये खड्डा रोड़ी सबसे बड़ी समस्या है, जिस कारण ये इन लोगों का एक जीना दुभर है, कि उनकी ये समस्या क्या है? क्या समस्या है आपके यहाँ? सर सबसे ज्यादा समस्या तो यही है कि खड्डा रोड़ी की दिक्कत है। क्या परेशानी आती है इससे आपको? बहुत परेशानी होती है, खाना पीना आराम हो जाता है और बदबू आती है बहुत ज्यादा, रोटी खाने बहुत ही दिक्कत होती है। उसके अलावा कोई और प्रमुख समस्या है गांव की? गांव की समस्या यही है, अगर घर में को तो गेस्ट आ जाती है ना, कहते हैं आप कहाँ पे रह रहे हो, आप कहाँ पे रह रहे हो, हड्डा रोड के पास रह रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कहना है रिश्तेदार कौन है, टॉप में रिश्तेदार कौन है, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इनका ये कहना है कि हड्डा रोड के कारण इनका जीना दुभर है, खाना पीना भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, एक काफी बड़ी मूलभूत समस्या है ये गोलू वाला शाहगाम। नई सोच है, नई उमंग, नए चैलेंजेस, नए दोस्त है, नई सोच है, नई को बनाना है, इस दौर में विजयी होना है, नई सोच है, नई उमंग, नए चैलेंजेस।